दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उदयपुर वाटी के मनसा माता के मंदिर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाला आरोपी फूलचंद जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्ची के परिजनों ने कल देर शाम को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित नाबालिग लड़की करीब 5 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मंदिर में काम करने वाले फूलचंद जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि SC ST पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म मामला दर्ज किया गया है। मेडिकल बोर्ड टीम गठित कर पीड़ित का मेडिकल करवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में नवलगढ़ डिप्टी सतपाल सिंह जांच पड़ताल करते हुए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। रात को इस पीड़िता ने मुकदमा दर्ज करवाया था ST SC एक्ट और दुष्कर्म का और पोक्सो एक्ट में। देर रात्रि को मुकदमा दर्ज हुआ और सुबह अतिशीघ्र मामले की गंभीरता को देखते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और श्रीमान सीओ साहब इसका अनुसंधान कर रहे हैं। गिरफ्तार करके कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। नाम है आरोपी का नाम है फूलचंद जोगी, निवासी खो। क्या करता था सर ये आरोपी मंदिर में? अभी ये तो कोई जो भी कोई काम करता है, अभी तफ्तीश का मामला है। श्रीमान सीओ साहब तफ्तीश कर रहे हैं, इसके बारे में गहनता से और तफ्तीश की जा रही है। जैसे भी आगे और कोई बात आएगी सामने, अनुसंधान पर फाइल पर लिया जाएगा।